श्रीवीतरागाय नमः। ॐ नमो अर्हति भगवति प्रक्षीणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये श्रीशान्तिनाथाय शान्तकराय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगाप्रमत्तविनाशनाय सर्वपरकृतशत्रुपद्रविनाशनाय सर्वक्षामडाम्बरविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं रूं रौं र छां छीं छूं छौं छ अशयांसा नमः। चतुर्विधसङ्गस्य तथैवच जम्बूस्वामी तपोस्थलीतीर्थक्षेत्रस्य अस्य ग्रामस्य नगरस्य जनपदस्य प्रान्तस्य देशस्य विश्वस्य च प्राणिमातस्य शान्तारा कर्तारस्य अनुवदपस्य च कार्तस्य श्रीमती प्रकाशवती श्रीमती पद्माजी राजसेनानुभविजय नरसिंहसपरिवारस्य कामा वास्तव्य नारीलाल जी कमलचंद जी रजनी जी हिमांशु जी निकिता जी भूपेश जी सतीश जी खुशबू जैन सपरिवार से फोजपुर झरका वास्तव्य सिंह गोपीचंद जी तृष्णा देवी नवीन जी आबाजी सासरा भी तुष परिवार से कोलकाता वास्तव्य नवल कुमार जी मंजू जी आका जी प्रीति जी सपरिवार से हटा वास्तव्य दिनेश कुमार जी सासरा भी तु कुसुम जी रूपेश जी सर्वेश जी योगेश जी सपरिवार से जयपुर वास्तव्य संदीप जी स्वास्थ्य लाभ हेतु अमित अमिता उर्मिला जैन रतन जैन समस्त कटारिया परिवार से कोटा वास्तव्य सविता जैन अर्पित जैन शेठिया परिवार से झांसी वास्तव्य स्नेह जैन मनोज जैन सुरेखा नायक परिवार से अजमेर वास्तव्य उत्कर्ष जैन हेमंत जैन हृदय जैन निकिता जैन अनिता जैन रिद्धि जैन लावांशी जैन नेडिया परिवार सपरिवार से टोंक वास्तव्य अनोख देवी जैन सासरा बेतु प्रेमचंद जी बाबूलाल मनोज जी वसंत जी श्यामपुर वाला परिवार सपरिवार से प्रसन्नगर दिल्ली वास्तव्य शीलचंद जी जैन श्रीमती दीपा जी जैन स्मित जैन श्रीमती निकिता जैन दिव्यांशी जैन मैत्री जैन सब परिवार से सर्वदर्शक से उपासक से प्राणी माता से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चक्रु पुरुष वसत स्वाहा। ओम नमो वैवदो वर्णमानस यशस्य च कम जलंतम गच्छई आयसम पायनम लोयाणम भयाणम दैवा देवा समय मयूर्वा समुषतन पाद मेरे प्रग स्वा। ओम राम श्याम नमो रिताड़म ओम रीम श्यम नमो सिद्धाड़म ओम रूम क्षम नमो वायरियाणम ओम रोम क्षम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णतोदंबो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा सागु लुगुत्मा केवली प्रणतोदंबो लुगुत्मा चतारि क्षण पवजामि अरिहंते क्षण पवजामि सिद्धे क्षण पवजामि साहु क्षण पवजामि केवली प्रणतोदंबो क्षण पवजामि इति अनादि मूलमंत्रे नमः। शान्ति जनानम नमो सबो हि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो कोटिबुद्धिडम नमो बीजबुद्धिडम नमो पादान शारीरम नमो संपीर्ण सोदाराड़म नमो शयम बुद्धाड़म नमो पत्य बुद्धाड़म नमो भोज बुद्धाड़म नमो भोजमदीडम नमो व्यूलमदीडम नमो दसपीडम नमो चौदसपीडम नमो ठंगवाड़म सुलाड़म नमो ब्यूटीपत्ताड़म नमो विज्जाराड़म नमो चारणाणम नमो पर्ण समाणम नमो आकाशगामीडम नमो आशी विशाड़म नमो दिट्टी विशाड़म नमो गतवाड़म नमो दित्तवाड़म नमो तत्वाड़म नमो महत्वाड़म नमो घोरतवाड़म नमो घोरगुणाणम नमो घोरपरकमाणम नमो घोरगुणपम्यारीडम नमो आमुषिपत्ताड़म नमो खिल्लोषिपत्ताड़म नमो जल्लोषिपत्ताड़म पोषिपत्ताड़म सपोषिपत्ताड़म नमो मृवलीडम नमो वचवलीडम नमो कायवलीडम नमो खीरसवीडम नमो शपशवीडम नमो मौर्षवीडम नमो मेषवीडम नमो कीण मानसाणम नमो वड्डमाणाणम नमो शिद्धाधिनाणम नमो भेदो मेधी महावीर वड्डमाण पुदुषो चेदी ज सन्तियम नम पौंडियम चेत सन्तियम वीडियम पौंजी कायुड वाचा मनसावृचम सकारयितम शरपंचमीडम ओम ह्रीं वरम श्री शब्दीशमतनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री पद्मभोजनिंद्राय नमो नमः। श्री शिपाशनिंद्राय नमो नमः। श्री चंद्रभोजनिंद्राय नमो नमः। श्री पुष्पजनिंद्राय नमो नमः। श्री शीतलनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री श्यामसनिंद्राय नमो नमः। श्री वासुभोजनिंद्राय नमो नमः। श्री विमलनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री नंदनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री धर्मनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री शांतनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री कुंतलनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री हरनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री मलनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री मृषनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री नमनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री नमनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री पाशनाजनिंद्राय नमो नमः। श्री महावीरनिंद्राय नमो नमः। ओम नमः श्री विश्वादि महावीर पंचतीर्थंकर गर्भ जन्म तप ज्ञान शांति सीता सर्व शांति रावतो ओम श्री
अतीत काल संजातासी नमानादि चतुर्थी तो ओम राम रीम रूम रोम रे श्याम श्री रूम श्याम शेष नमः सर्व अर्देभ्यो नमः सर्व सिद्धेभ्यो नमः सर्वाचार्यभ्यो नमः सर्वपाद्येभ्यो नमः सर्वशास्त्रेभ्यो नमः कृतमजनालेभ्यो नमः अकृतमजनालेभ्यो नमः कृतमजनमेभ्यो नमः अकृतमजनमेभ्यो नमः जिनधर्मेभ्यो नमः जिनागमेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रूं वै वरम अतुलबल वीरपराक्रमाय सर्वविघ्नाशनाय आत्मविद्यां शिरस्पद्यां छिन्नछिन्नबिन्दुबिन्दु स्वामी श्रीशंति गुरुकुल स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रूं वै वरम अतुल बलि प्रासायम रब्बी मौनवी मौनवी नवरवी गौरवी जवन सरज सर्व शांतिम तुष्टम प्रशंसा ओम राम रीम रूम रोम श्याम जी अश्वन समुद चारते विनमन सभी अपने मन में अपना अपना नाम ले लेंगे सर्व शांतिम तुष्ट प्रशंसा गुरु गुरु सर स्वाहा क्षेम सर्व प्रजा नाम प्रभु बलवान धार्मिक भूमिपाल काले काले चविष्टम मित्र का व्याधु यंतनाशम दुर्भिक्षम चौरमारी चरमजता माशु जीव लोगे जय नींद्रम सर सबके बधाई प्रध्वस्त घात कर्माणा केवल ज्ञान वास करता शांति संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देश से राष्ट्र से पुरस राग करो तो शांति भगवान जिनी करो तो शांति भगवान जी बोले श्री शांतनाथ भगवान की सुशनाथ भगवान की चौथ भगवान की अंतिम गुरु श्री जमुस्वामी भगवान की विश्व कल्याण कार्यक्रम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव बीतरागी सर्वज्ञ भगवान के दर्शन करने से वंदन करने से अर्चन पूजन स्तुति भक्ति करने से अभिषेक शानदारा करने से प्रणाम नमस्कार आदि करने से पूर्ववत पापकर्म की नजरा होती है जीवन में शास्त्रीय पुण्य का लाभ होता है आनंद की प्राप्ति होती है धर्म लाभ मोक्ष मार्ग का लाभ प्राप्त होता है रोग शोक दुख दर्द भय बाधा पीड़ा एवं विघ्न सभी विनाश को प्राप्त होते हैं। आज 14 अक्टूबर 2020 में जिन पुण्यात्मा महान भावों ने श्री भगवान के चरणों में श्रद्धा का पुष्प चढ़ाया और श्री भगवान प्रशांत स्वामी के मस्तकों पर यह अभिषेक शानदारा संपन्न की है या कराई है या इस अभिषेक शानदारा की अनुमोदना की है वे सभी महान भाव पुण्यात्मा हैं धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। उसमें मधुबन प्रीति ब्याह दिल्ली से श्रीमती प्रकाशवती पद्मा जी राजेश जैन रानू अभिक जैन नरसेन सपरवाल की दंपति शिवाशीष कामा से गिरनारी लाल जी कमलचंदी रजनी हिमांशु निकिता भूपेश श्रुति खुशबू सपरवाल की दंपति शिवाशीष फिरोजपुर जरगा से गोपी चंद्र शिलाजी नवीन जी आबाजी स्वास्थ्य लाभ हितु दंपति शिवाशीष कोलकाता सेनमल कुमार जी मंजू जी आकाशी प्रीति जी सपरवाल दंपति शिवाशीष हटाशी दिनेश जी स्वास्थ्य लाभ हितु कुसुम जी रूपेशी सर्वेशी योगेशी सपरवाल दंपति शिवाशीष जयपुर से संदीप जी उर्मिला जी रतन जी समस्त कटारिया परिवार दंपति शिवाशीष कोटा से सविता जी अर्पिति जी सेठिया परिवार दंपति शिवाशीष झांसी उत्तर प्रदेश से स्नेह जी मनोज जी सुरेखा जी नायक परिवार दंपति शिवाशीष अजमेर से उत्कर्ष जी हेमंत जी हृदय निकिता जी अनिता जी रिद्धि लाभांशी उन्नीरिया परिवार दंपति शिवाशीष टोंक से अनोख देवी शास्त्रा भेतु प्रेमचंद जी बाबूलाल जी मनोज जी बसंत जी श्यामपुर वाली दंपति शिवाशीष कृष्णानगर दिल्ली से सीलचंद जी दीपा जी सुमित जी निकिता जी दिव्यांशी मेहती जी दंपति शिवाशीष आप सबका मंगल हो शुभ हो कल्याण हो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ ओम शांति। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़े हर्ष का विषय है अंतिम अनवध्य केवली भगवान जम्मू स्वामी जी ने जहाँ पर तप किया जहाँ का कणकण पवित्र है जहाँ देवों के द्वारा अभिषेक हुआ है जहाँ पर अतिशय घटित होते हैं जहाँ पर हिंसक प्राणी भी एक घाट में आकर पानी पीते हैं जहाँ की पवित्र माटी को माथे पे लगाने से सभी मुरादें पूरी होती हैं जहाँ भक्तों के सभी कष्ट दूर किए जाते हैं
ऐसा पवित्र स्थान अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा से आप सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत वंदन कर रहे हैं। आप सभी को जानकर खुशी है, इस पवित्र धाम में परम पूज्य अवीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान वसुनंदी जी महामुनिराज ससंघ वर्षा योग कर रहे हैं। उनकी मंगल प्रेरणा से ही, उनके पावन आशीर्वाद से ही हम आप सभी देवादिदेव भगवान मुनि सुब्रतनाथ पे अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे हमारे साथी पूरे महीने भर के लिए शांति धारा में नाम दे चुके हैं। बहुत लोगों की इच्छा भी, आप अपना अनुभव बताते हैं, भगवान मुनि सुब्रतनाथ पे हमने शांति धारा कराई, पूज्य गुरुदेव ने जब मंत्र पढ़े आपको लाभ हुआ है, ऐसी भावना से बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। बस जो हमारे साथी शेष रह गए हों उन तक भी आप बात पहुंचाइए। समव शरण मंदिर में 24 प्रतिमा स्थापित के लिए हमने आप सभी से अनुग्रह किया, आवाहन किया, उसमें भी आप शामिल हुए। मित्रों, आज आपसे एक बात करना चाहेंगे। आज इस अभियान को हम पूरा करने वाले हैं। ये अभियान आज पूरा हो जाएगा, इसके लिए एक अंतिम पावती के रूप में आपका आमंत्रण करते हैं, आपका निवेदन कर रहे हैं। आपको आज ही सबसे पहले हमारे इन दिए गए नंबरों पे फोन करके सूचित कर देना है कि हमारी प्रतिमा विराजमान होनी है 24 तीर्थंकर में। आपके जो भी इष्ट आराध्य भगवान हैं, ऋषभदेव से महावीर पर्यंत, आपको आज हमें ये बता दीजिए कि हमें ये प्रतिमा विराजमान करनी है। शेष आगे की प्रक्रिया हम आपके साथ में कर लेंगे। सबसे प्रथम जिम्मेदारी है आज इस अभियान को पूरा करने के लिए आप नाम बता दीजिए, हम आपका नाम आरक्षित करके आपको अवसर प्रदान कर देंगे। बस मुझे, मेरी एक इच्छा है, ये नाम आपके परिवार से लेना है। यूं तो इस मंदिर को एक व्यक्ति बना रहा था, लेकिन पूज्य गुरुदेव की महती प्रभावना हुई, उनकी दया हुई, उनका वात्सल्य रहा कि जन जन सामान्य तक ये बात पहुंचनी चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक इस क्षेत्र से जुड़ना चाहिए, इसलिए मेरा आज आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बात आप ध्यान से सुने। आज ही फोन करके हमें बतला दीजिए कि 24 तीर्थंकर भगवानों में से हमको प्रतिमा स्थापित करनी है, आगे की व्यवस्था आप हम सभी कर लेंगे। भगवान मुनि सुब्रतनाथ पे जो अभिषेक शांति धारा करते हैं, उनके परिवार से सुबह यहाँ पर हवन भी होता है। शनिवार के दिन महामस्तकाभिषेक जो होता है, उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ महामंडल विधान भी उनके परिवार से किया जाता है। ये सभी लाभ, ये सभी अवसर केवल आपके कोठे में जाना है, आपके पुण्य लाभ के लिए है, आपके सुख समृद्धि के लिए है। बस मेरा आपसे यही कहना है, पूज्य गुरुदेव का आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है, उनकी मंगल प्रेरणा है, भगवान मुनि सुब्रतनाथ की छत्र छाया आप पर यूं ही सदा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ में कि आज आप नाम देने वाले हैं, आपका इंतजार कर रहे। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।